सा जो है वो रागी का आटा भी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक नहीं दिखेगा, लेकिन ये उसको काकाजी हताके है ये, तुम्हें क्या पता। बोलो। ये नकचड़ी लड़की ना सॉरी नहीं बोलेगी, वो बड़े बच्चे उससे ड्राइंग करते हैं, छोटे बच्चे नहीं। चलो सॉरी कहो। सॉरी हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और सुबह सुबह जो है स्टार्टिंग ही यहीं से कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ साहब को। ये अंकुर किया हुआ जो है वो चना और मूंग है, साथ में बहुत सारा जो है वो मैंने रेड कलर वाला बीट मतलब बीट डाला है, और गाजर भी साथ में है। तो पहले इसे मैं दे के आती हूँ, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। ये मेरा भी जो है वो ब्रेकफास्ट होगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर है भी कुछ लेना होगा तो लूँगी। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट मेनली जो है ना अभी निकू के लिए बना रही हूँ। निकू एक्चुअली आजकल जो है ना वो सुबह जो 9 बजे निकलता है तो 12 बजे वापस आता है, रिटर्निंग होता है। तो हम लोग तो हल्का फुल्का जो भी है वो खा चुके हैं ब्रेकफास्ट, अब जो भी होगा वो लंच में ही लेंगे। तो मुझे जो है ना आलू का जो है वो चोखा बनाना था, लेकिन उसने बोला कि मम्मा मुझे ना आज डोसा खाने का मन कर रहा है। तो इतना प्यार से बोला ना, मैं बोली कि ठीक है रुक मैं देखती हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है। तो मैं उसी को जो है वो खुश करने में लग गई कि चोखा तो वैसे भी मुझे बनाना था, क्योंकि दाल चावल और यही चोखा आज यही सिंपल जो है वो लंच रहेगा, तो उसने बोला था। तो मैं बोली कि चलो तुम जब तक जो है वो नहा के आओगे तब तक जो है वो देखते हैं, अगर वो फूल जाता है मतलब रवा का बनाऊंगी, ये डोसा रवा का बनाऊंगी। एक बार और बनाई थी तो वो टेस्टी बना था, तो चले इसे पहले कंप्लीट करके उसको देती हूँ। आज दाल इसी का बनेगा, लोबिया है जिसे रात में मैंने फूलने के लिए छोड़ दिया था। अभी जो है इसमें केवल तड़का लगाऊंगी और एक बॉईल भी आने दूंगी कुकर में। निकू ने जो है ना मुझसे इंस्टेंट कहा है कि उसे जो है वो आज ये खानी है, डोसा खानी है। तो मैं अभी आलू तो बना चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आलू की ज़रूरत थी इसीलिए, और साथ में मैंने इसे जो है वो बटर मिल्क है उसके साथ जो है वो 1 कप रवा, 1 कप बेसन और थोड़ा सा जो है वो चावल का आटा, इसे घोल दिया है और रेस्ट करने दिया था 1 घंटे, क्योंकि अभी वो जो है वो खेलने के लिए जाता है, तब तक ये जो है अच्छे से जो है वो फूल गया है। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो मीठा सोडा दूंगी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, मतलब दोनों का अनुपात जो होगा 2:1। जब तक मैं बाकी का काम की मतलब चावल बनाई दाल बनाई, तब तक वो नहा के भी आ गया है, तो मैं जल्दी से उसे दे लूं पहले। केवल उसी के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने, क्योंकि नन्नू तो है नहीं, वो स्कूल गई हुई है, तो बस खाली निकू के लिए। और मैं ऑलरेडी जो है नाश्ता खा चुकी हूँ, इसका थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मॉर्निंग में जो है 9:30 को खेलने चला जाता है और आते आते इसका 11 बज जाता है, तो इसी के लिए केवल बना रही हूँ, नहाने के लिए वो गया। अच्छा सॉफ्ट दिखा क्यों? अच्छा इसमें मैंने ना थोड़ा सा जो है वो रागी का आटा भी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक नहीं दिखेगा, लेकिन ये उसको पता नहीं है नीकू को, अगर वो पता चल जाएगा तो वो खाएगा नहीं, इसलिए क्रिस्पी बनी है।
मैंने जो है ना वो लोबिया बनाई थी, जो मैंने आपको बोला था कि कल मैंने जो है जमने के लिए दिया था, फूलने के लिए दिया था, उसी की सब्जी है। सब्जी क्या एकदम जो है ना तड़का जैसे दाल बनाई हूँ, ताकि उसको पता ही ना चले कि ये जो है वो सांभर ना है, लोबिया है। खाने में एकदम बिल्कुल वही टेस्ट आता है। तो दे के आती हूँ उसको। हटा निक्कू, क्या हमको समझ में नहीं आया निक्कू क्या हो रहा है? नन्नू तुम क्यों रो रही हो? तुम बताओ क्यों रो रही है? तो तुम्हारे पास है ना बेटा नया वाला, वो क्या है निकू? एक तो दे दो। अच्छा नन्नू तुम इधर आओ, इधर आओ। इसको दिया था ना तुम क्रेयॉन कलर? नन्नू तुम अपना क्रेयॉन कलर लेके आओ, जाओ। तुम लोगों को 10 दिन जो है स्कूल छुट्टी दिया है क्या खून पीने के लिए? बताओ थोड़ा सा लेटे नहीं कि दोनों पता नहीं किस चीज का जो है रोना रख। इधर आओ तुम, क्या हुआ है दिखाओ भैया। अच्छा ये अपना ड्राइंग बुक लेके आई ताकि तुम उसको मार्कर दे सको। देखें क्या क्या कलर की हो, दिखाओ दिखाओ मेरे को। इधर लाओ ये तो देखो 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 देखो, ये क्या किया है रे तुम्हें, क्या की है ये देखो। अरे आगे भी है ये कौन सा कलर किया है? इसी के लिए मांग रही हो? ये ब्रश क्रीम बर्बादी करने के लिए। ये भी है, ये भी है, ये तो भैया बनाया है। छोड़ दो ना, वो दिखा रही है ना। अच्छा इसका एक ये दिया था ना कलर, कलर दिया था ना क्रेयॉन कलर। बाबू वो नहीं मिलेगा नन्नू, वो बड़े बच्चे यूज करते हैं, वो छोटा बच्चा नहीं। छोटा इसकी हालत देखो ना, इसको क्या पता है कि उसमें क्या है। निकू इतना तू सही में भोला बाबा। मेरी बात सुनो, ला रहा है भैया दूसरा कलर ला रहा है, तेरे को यही बर्बाद करना है ना। निकू क्रेयॉन कलर ला दो तो नन्नू का, ये आज छोड़ेगी नहीं, आज जान नहीं छोड़ेगी निकू का। तो सॉरी बोलो, नहीं खेलने गया है, सॉरी बोलो भैया को बोलो। ये नकचड़ी लड़की ना सॉरी नहीं बोलेगी, वो बड़े बच्चे उससे ड्राइंग करते हैं, छोटे बच्चे नहीं। चलो सॉरी कहो, सॉरी नहीं है, ये ड्राइंग नहीं है। कस के बोला जाता है सॉरी भैया, सॉरी नहीं है, सॉरी नहीं है, ये सॉरी नहीं है, देख रहे हैं ना, ये सॉरी नहीं है, सॉरी सॉरी भैया, सॉरी। इतना सारा जो है वो एक भी अगर बाहर फेंकाया हुआ मिला ना निकू तुम्हारा ये कलर, हाँ हम बता दिया आजकल की मम्मियां ना तो बताएंगे, पता नहीं कौन हमेशा ऐसा ही कार्टून बनाता है, एक आंख छुपा हुआ ही रहता है। डाकू बनाते हो क्या हमेशा? अरे डाकू नहीं, ककासी हताकी है। ककासी हताकी पहले जो है ना विलेन लोग ऐसा बनता था, एक आंख झपका तो पहले बनी है। गाइस अगले वीडियो में तो जो तबूज आया था वो आपसे नहीं दिखा पाई, लेकिन आज नन्नू तबूज खाएगी। नन्नू तबूज खाना है? तबूज खाना है वाटरमेलन। क्या बोला जाता है हा? पहले बोलो क्या खाना है? तबूज, तबूज खाना है तबूज। चलो इसको तबूज खिलाया जाए। कल लेके आई थी तो नन्नू को खिलाई नहीं थी तबूज, तो आज तबूज खिलाती हूँ नन्नू को। नहीं नन्नू, नन्नू को आजकल तबूज बहुत पसंद है, क्या कर दी। और निकू एज इट इज जब से उसका जो है ना वो आया है स्केच आया है, पेस्टल स्केच, क्या नाम है, अल्कोहल मार्कर। अच्छा अल्कोहल मार्कर जब से आया है तब से वो उसी में लगा हुआ है। और क्या बनाया फाइनल दिखा? नेट, 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 ये फाइनल बन के तैयार हो गया है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा। हताके इसकी इसकी एक आंख कहाँ गई? अरे मास्क पहना है दिखाई नहीं देता तुम्हें। अच्छा। और दूसरी आई इसकी वो उससे लग गई है। अच्छा ये जो है रिजल्टेंट है उसने बनाया है आज।
खाना खाने में अभी थोड़ा सा लेट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तरबूज जो है ठंडा भी हो गया होगा, और कल शाम को आया था तो मैंने शाम को जो है कट, वैसे भी शाम को खाना नहीं चाहिए फ्रूट्स वगैरह, और ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। कैसे देखते देखते कल से आज जो है गर्मी आ गई यार, बताओ ये तरबूज देख के तुमको पूरा गर्मी। मैंगो खाना है अभी, बहुत महंगा है मैंगो। मैंगो शेक वो सब तो आर्टिफिशियल दे रहा है, वो सही थोड़े ना दे रहा है मैंगो शेक जो तब भी वो है ना 365 डेज उसके पास मैंगो रहता है। चार दिन में अब बस आ रहा है होली, उसके बाद पापा से मंगवाऊंगा जो खाना है वो खाना। कम से कम पापा से मंगवा क्या खाओगे, इनको तो बोलूंगा मैंगो शेक तो फिर नहीं, कोल्ड कॉफी में बेस्ट है, उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं मिलता। लो नन्नू, कोल्ड कॉफी से मैंगो शेक तो कभी कोल्ड कॉफी को बीट कर ही नहीं सकता। टैटी क्या है नन्नू? तरबूज है, तरबूज है, पता चल गया तुमको तरबूज है, इतना हो जाएगा ना। हम लोग दोनों एक ही में खा लेंगे, नन्नू को अलग देंगे। काला नमक के साथ खाना है। हाँ तो हम भी काला ही नमक डालेंगे। डप 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 करके ना। गाइस बच्चों ने तरबूज ख़त्म कर लिया है, अब खाना दूंगी। टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 2:30 हो रहा है, आधा घंटा बाद जो है खाना होगा तो खाएगा। नन्नू तो अभी नीकू तो अभी तुरंत खाया तो वो पता नहीं खाएगा कि नहीं। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल के लिए आपसे जो है विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सब जो है अपना बहुत ख्याल रखें, होली आने वाली है तो थोड़ी सतर्कता भी बरत के पानी जो है वो ना खेले, क्योंकि मेरा तो गला पूरा जो है ना वो ख़त्म है पता नहीं क्यों। और देखे क्या है, बाकी का जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सबको जो है हमारी तरफ से बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।